हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना लो, आप अपना व्हाट्सएप जो आप अपना फ़ोन का जो वॉलपेपर है उसमें इस तरह कैसे इसी तरह की वॉलपेपर यहाँ पे देख सकते हो, कितना मस्त लग रहा है ना वॉलपेपर। तो आप भी आप अपने फ़ोन के अंदर इसी तरह की वॉलपेपर कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे कितना अट्रैक्टिव मस्त लग रहा है ना यहाँ पे देख सकते हो न्यू वॉलपेपर। कोई भी बंदा आपको यह पूछेगा वॉलपेपर कहाँ से डाउनलोड किया, तो आप भी फ़ोन के अंदर कैसे लगा सकते हो इसी तरह की वॉलपेपर। कोई भी ऐप की भी ज़रूरत नहीं होगा, बिना ऐप से आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो आपको बता के दे देता है ऐप की, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होता है इसी तरह की वॉलपेपर जो है वो आप अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, बिना ऐप से कैसे आप इसी तरह की वॉलपेपर अपना फ़ोन के अंदर जो है वो लगा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, मेरा जो वीडियो है उसमें लास्ट तक बनी रही है, एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़ मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इस चैनल में आपको इसी तरह की ट्रिप्स एंड ट्रिक सेटिंग के बारे में वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, कितना मस्त लग रहा है वेल पेपर जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो आप भी अपने फ़ोन के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर कैसे वेल पेपर लगा सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आप अपना सभी फ़ोन के अंदर जो है क्रोम ब्राउज़र जो है वो होता है, तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र जो है उसमें आ जाना है। तो मैं अपना यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आ जाता हूँ। आप जाकर क्रोम में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम में जाके नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप, मैं यहाँ पे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, इस लिंक में जाके डायरेक्ट वॉलपेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। आप क्रोम में जाकर नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस लिंक में जाके डायरेक्ट आपको इस वॉलपेपर जो है वो मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे लिंक में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो आप अपने क्रोम में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्च में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च कर लेना है मैं आप लोगों को बता के दे देता हूँ। यहाँ पे सर्च कर लेना है CWL कॉल वॉलपेपर, आपको सर्च कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सर्च, यहाँ पे देख सकते हो कॉल वॉलपेपर लिख कर दिखाई दे रहा है। तो आप भी यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर जो है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो सर्च बार में इस तरह सर्च करने वाले इस तरह के बहुत सारे वॉलपेपर यहाँ पे देख सकते हो, एक्टिव वॉलपेपर जो मस्त। तो आप कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोगों को बता के दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ये इस तरह के इंटरफेस आ जाने के बाद आपको डाउनलोड कैसे करना है, मान लो मैं इस फोटो को डाउनलोड करना चाहता हूँ, आप अपने फ़ोन के अंदर गैलरी लगाना चाहते हो, गैलरी में सेव करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर लेना है इस फ़ोन के इस फोटो का यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए क्लिक कर देना है, 2 सेकंड के लिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके रख देना है 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे डाउनलोड इमोजी आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड इमोजी में क्लिक कर लेगा तो आपको क्या होगा, आपका जो फोटो है वो ग्लेयर में सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे ग्लेयर में आप यहाँ पे सेव हो जाएगा फोटो जो है, तो ग्लेयर में सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ग्लेयर में जाके सेटिंग में जाके वॉल पेपर लगा सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो इस फोटो का लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो इस तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक सेटिंग के बारे में वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरा इस चैनल में आपको इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक सेटिंग के बारे में वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाय।